दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। सकते हैं मैं बाजार समिति में हूं और यहां पे बकरी प्रखंड के सभी पंचायतों का जो है पंचायती राज का मतगणना हो रहा था और हमारे बीच जो है अभी जीत का सर्टिफिकेट लेके मीरा देवी जो कि मुखिया प्रत्याशी के रूप में थे, मोहनपुर पंचायत से थे, जो कि मीरा देवी हैं, मुखिया पद पर आ चुके हैं, उनको जीत का सर्टिफिकेट मिल गया है। तो आइए उनसे ही जानता हूँ कि वो क्या कुछ करने वाले हैं पंचायत के लिए और इस जीत पर वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मीरा जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जीत का। आपको मैं आपको पंचायत की सेवा करूंगी, मुझे जनता ने जिताई है, मैं पंचायत का धन्यवाद। ये जीत का श्रेय चाची आप किसको देना चाहते हैं? पंचायत की जनता, महानपुर की पंचायत को देना चाहती हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम क्या है सर? मैं कुंदन कानू, मैं मीरा देवी का पुत्र हूँ और इस बार माँ को चुनाव लड़ाया था। मोहनपुर पंचायत की जनता ने अपार मतों से विजयी बनाया है। मैं तो तमाम मोहनपुर पंचायत की जनता को प्रणाम करना चाहूँगा, जो उन्होंने जो अपार मत दिया है वो निश्चित रूप में हम 5 साल में कर्ज अदा कर पाएंगे कि नहीं, ये हमें भी खुद पता नहीं है, लेकिन प्रयासरत रहूंगा जो उनका कर्ज हम अदा करें। लेकिन सर, आप जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में अपनी मां को उतारे थे, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग महिला हैं, तो क्या लगता है कि ये पंचायत का काम जो है, विकास जो है, संभाल पाएंगे या नहीं? सर, ये तो मोहनपुर पंचायत की जनता से भी आप पता करना चाहेंगे। जो मेरी माँ हर एक गरीबों के सुख दुख में आज से नहीं विगत कई वर्षों से उसके दुख सुख में सहभागिता अपनी हाथ बटाती थी, सहभागिता करती थी, और जिसका परिणाम अभी आपको देखने को मिला। और जहां तक सवाल है जो ये खड़ा उतरेंगी कि नहीं, ये तो मोहनपुर पंचायत की जनता वो तो अपने मतों से बताया है, लेकिन हम लोगों का लक्ष्य मात्र स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, आज देखते होंगे गरीब के बच्चे फटेहाल में रहते हैं, वो विद्यालय तक नहीं जाते, जबकि सरकार का ढेर सारा उपक्रम है। मैंने ये माँ को भी बोला था, माँ बहुत व्यथित थी इस बात से जो गरीब का बच्चा बिना कपड़ा पहने हुए स्कूल जाता है, क्यों नहीं उसको मोटिवेट करके उसको मैं आत्मनिर्भर बना करके स्कूल भेजेंगे और मेरा पंचायत शिक्षित होगा तो निश्चित रूप में जब शिक्षित हो विकास होगा। जी जी, आखिरी सवाल सर मैं करना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार जीत कर आपकी मम्मी जा रहे हैं, तो आपका सबसे पहला प्राथमिकता किस पे रहेगा, कौन सा काम पे रहेगा? मेरा सबसे पहला प्राथमिकता है जो भ्रष्टाचार मुक्त मेरा पंचायत बने, मेरा पंचायत आदर्श बने। कोई आदमी फटेहाल स्थिति की जिंदगी नहीं जिए, कोई गरीब की आंखों में आंसू ना रहे, कोई भूखा ना सोए, यही हम लोग का लक्ष्य है। जी जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका सर। आप हमारे KB चैनल के माध्यम से निकले और आइए, हमारे बीच कुछ जनता भी है, उनसे भी राय विचार लेता हूँ। सर, आपका क्या कहना है? मीरा देवी आज मुखिया पद पर आ गई है। पहले महानपुर पंचायत की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मीरा देवी को चुनाव जीता करके महानपुर पंचायत की सेवा के लिए वो आगे लाए। उसके बाद सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के मीरा देवी काम करेगी, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएगी, यही मेरा कहना। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप एक युवा हैं, मुशक रहे हैं जीत पे, पूरा आप जश्न मनाने के लिए चल दिए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि युवा हैं आप, युवा के प्रति खड़े उतरेंगे? बिल्कुल, मोहनपुर पंचायत के सभी युवा को मैं धन्यवाद करता हूं और इस पंचायत को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोहनपुर पंचायत के युवा और युवा के सोच के अनुसार सब स्वच्छ और आदर्श पंचायत बनेगी। आपका क्या कहना है सर? आप पीछे हैं खड़े, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? इस बार किनको वोट दिए थे आप? मीरा देवी को। मीरा देवी क्या जीत गए हैं? जीत गए। तो आपको क्या लगता है कि आगे आपके पंचायत में काम करेंगे? करेंगे काम। चलिए, तो आप तो आज खुश हैं और इनके घर पे जाके मिठाई खाइएगा।
मुंह मीठा कीजिएगा, जरूर खाएगा। तो ये थे हमारे मीरा देवी जो कि मुखिया पद पर जीत का सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, और मैं इनसे कामना करता हूँ कि ये अपने पंचायत के लिए अच्छा काम करेंगे, अपने पंचायत का विकास करेंगे, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ इनको। बहुत बहुत जी, मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि आज मैं बाजार समिति में हूँ और बखरी प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 12 से घनश्याम राय जी जिला परिषद के लिए अपने दावेदारी पेश किए थे, लेकिन वो घाघरा पंचायत के दो बार पूर्व में मुखिया भी रह चुके हैं और इस बार जो है जिला परिषद पद पर अपना दावेदारी पेश किए थे, लेकिन आज उनको जो है जीत का प्राप्ति मिल गया है, जीत का सर्टिफिकेट मिल गया है। आइए उनसे ही मिलकर जानते हैं कि उनको कितना संघर्ष करना पड़ा इस जीत के लिए, और उनसे मैं खुद जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो सर, केबी टीवी बिहार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जीत के लिए। मैं जब विद्यार्थी लाइफ से मतलब स्कूल कॉलेज जब छोड़े, तो छोड़ने के बाद हम जनता के बीच खड़ा उतर गए, जनता मुझे मुखिया बनाया। मुखिया जब बने तो मैं किसी नोक झोंक बिना नोक झोंक को सभी लोगों का काम किए, सभी लोगों का सम्मान किए, और एक भी व्यक्ति का ऐसा नहीं लगा कि मुखिया जी ये मुखिया हैं और हम मतलब उनका ये जनता हैं। मैं सभी लोगों का सम्मान अपने से ऊंचा रखता गया, और उसके बाद इस बार दो साल से हमें लोग पूरे प्रयास में थे कि जिला बेगूसराय के जिला परिषद संख्या 12 से आपको जिला परिषद चुनाव लड़ाएंगे, तो सभी लोगों का जब ये आदेश हो गया तब हम इस क्षेत्र में आकर के और अपना जिला परिषद का जो है सो उम्मीदवार बने, और आज जितने भी हमारे क्षेत्र संख्या 12 का माताएं बहनें एवं जितने भी ये मतदातागण हैं वह मुझे गला लगा करके, और उसके बाद जो है सो आज हमको क्षेत्र संख्या 12 से जिला परिषद के लिए चुन लिया गया। सर, आप जिला परिषद पद पर आ चुके हैं, लेकिन समाज के प्रति, अपने पंचायत के प्रति, जो भी क्षेत्र आपका पड़ता है जिला परिषद के अंतर्गत आता है, उसमें सबसे पहला प्राथमिकता किस काम को लेकर रहेगा? देखिए, मेरा तो क्षेत्र संख्या हो गया 12, लेकिन मेरा जो काम चलता है शुरू से ये कोई 12 के अंदर ही नहीं होंगे। मैं अगल बगल का जो मैंने पूरे अनुमंडल स्तर पर जिन लोगों का जो काम होगा उस काम के लिए मैं खड़ा उतरूंगा। अब आ जाइए जिला परिषद क्षेत्र संख्या विकास तो मैं वहीं करूंगा, लेकिन अगल बगल के लोगों, जितने भी गरीब लोग मुझे याद करेंगे तो उनके साथ मैं जाऊंगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं क्षेत्र संख्या 12 में ही काम करूंगा, मैं 13 में भी काम करूंगा, 14 में भी काम करूंगा। जो लोग मुझे उम्मीद करेंगे कि इनसे हमारा काम है तो उसका मैं खड़ा उतरूंगा, क्योंकि जब मैं मुखिया था तो मुखिया के समय में भी जो लोग बाहर से भी आते थे तो उनको गला लगाते थे, उनके काम को हम देखते थे कि हमसे क्या काम होने वाला है, यही मेरा काम रहता है। दूसरा नंबर ये हुआ कि सबसे पहले हमारे क्षेत्र जो ये क्षेत्र संख्या 12 है, ये बहुत यहाँ गरीब लोग हैं, और गरीब के साथ साथ करीब करीब हमको लगता है कि 200-400-500 हज़ार ऐसे लोगों पर मुकदमा है जो मान करके चलिए कि बहुत ही सारा गरीब है। मेरा सबसे पहला उस पर अमल होगा कि ये जो केस मुकदमा है उसको मैं पैर पकड़ के हो, सारे लोगों को सामंजस्य करके हो, उसको मैं साफ करने का काम करूँगा। दूसरा, नहीं चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र के अंदर कोई वैसा कोई अप्रिय घटना घटे, इस पर मैं काम करूँगा। साथ साथ जितना भी हमारा युवक है या बूढ़ी माँ है उस पर सबसे मेरा पहला नज़र पड़ेगा। तीसरा नज़र मेरा है कि मेरे क्षेत्र का किसान वो बहुत ही प्रताड़ित हैं, तो मुझे मौका नहीं मिलता था, मौका तो मिलता था मान करके चलिए पंचायत और प्रखंड की, अब मुझे जिला का भार दिया गया है, उन लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे और किसानों का समस्या जो है उसका हल करने का हक संभव मेरा प्रयास रहेगा, यही मेरा उम्मीद लेकर के मैं आया। बिल्कुल बिल्कुल सर, आखिरी सवाल आपसे कि युवा हैं आपके पीछे जितने भी हैं, लगभग हमको लगता है युवा ही खड़े हैं, तो युवा के प्रति आपका क्या सोच है? मैं शुरू से ही वो चाहे युवा हो या बच्चा हो, उसके प्रति उसके सम्मान को लेकर के मैं काफ़ी दिनों से कार्यरत रहता हूं,
और आज जब मैं जिला परिषद इन लोगों के बल पर मैं बना हूँ, हमारे पास कोई तंत्र नहीं था कि हम जिला परिषद बने, ये लोग जिला परिषद बने हैं जो मेरे साथ खड़ा है। और मैं इनका एक ध्रुव किला, उस ध्रुव को जैसे ये लोग नचाएंगे हम नाच नाच करके इन विद्यार्थी सभी लोगों का सम्मान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर कितने वोट टोटल आए थे आपको? हमको वोट लगभग 5800। 5800। और नेक्स्ट पार्टी को जो सेकंड में रहे वो थे? तो कोई मैंने 34 अंतिम वाले 34 पर रहे जी, कोई 31 पर रहे, कोई 500 पर रहे, कोई 1000 पर रहे, कोई 200 पर रहे, यही उनकी स्थिति हुई। जी, जी, जी। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपको, आप हमारे KBTV चैनल के माध्यम से जुड़े और अपनी बातों को रखे। आइए मैं यहाँ पे कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानता हूँ यहाँ इनके जनता से। सर आपका क्या रहा है जी? मेरा जीत पे आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुश है, इनका जो रवैया रहा है उसी पर आदमी लोग वोट किया, इनको जिला परिषद क्षेत्र संख्या 12 से इनको जिला परिषद बनाया गया है। इनके जो काम कर रहे थे उस क्षेत्र में उसी को देखते हुए सारा जनता ने इनको सपोर्ट किया, जिसके कारण जिला परिषद क्षेत्र संख्या 12 से बने हैं। जी जी। आपका सर क्या कहना है? आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है जी। इन्होंने बेहतरीन पिछले 10 वर्षों में जो मुखिया का कार्यकाल रहा है बेहतरीन काम किए, सम्मान के हर छोटे छोटा चाहे बच्चा हो या बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हो सबका सम्मान बराबर दिए हैं। हमेशा जो है सुख दुख में चाहे जिस भी व्यवस्था का हो सुख दुख में हमेशा काम दिए खड़े रहे हैं। और दूसरी बात, युवाओं से हमेशा लगाव रहा है और इस बार जो चुनाव हुआ है बहुत जो है यानी कि हार्ड जो है यानी कि मेहनत की है हम लोग, बहुत संघर्ष करना पड़ा है हम लोगों को। और दूसरी बात, ये चुनाव जो है जात के बल पर नहीं बल्कि जमात के बल पर लड़ा गया है, ये हमारे जिला परिषद साहब शुरू से ही कहते हैं। आपको क्या लग रहा है कि युवा के प्रति बिल्कुल खड़े उतरेंगे आपके जिला परिषद? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी युवा ही हैं और युवा के प्रति इनका सहानुभूति हमेशा से रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका क्या कहना है घनश्याम जी के बारे में? देखिए, ये शुरू से ही जमीन से जुड़े हुए हैं। शुरू में विद्यार्थी लाइफ के बाद ये वेटनरी डॉक्टर भी हैं, तो इलाज भी गांव घर में मुफ्त में इलाज भी करते थे। उसके बाद व्यापार मंडल अध्यक्ष बन रहे, उसके बाद भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष बन रहे, लगभग मतलब जो तीन अनुमंडल का था। मुखिया भी रहे तो मुखिया बन करके नहीं रहे, सब दिन जनता बन करके रहे, जनता ही इनका मुखिया था। उसी का परिणाम आज मतलब जिला परिषद में जनता ने इनको अजय बहुमत से चुना है। कितना आप लोगों को संघर्ष करना पड़ा इनको जिताने के लिए? देखिए, चुनाव है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। चुनाव है तो संघर्ष तो करना पड़ा। लेकिन जो इनका लगभग 15-20 साल का जो क्रियाकलाप था उस पर युवा ने एक तरफा मत किए इनको। और सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहते हैं, ये बूढ़ा बूढ़ी को चाहे हमारे पंचायत को हो, चाहे प्रखंड को हो, चाहे आपको पड़ोसी प्रखंड गढ़पुरा का है, बूढ़ा बूढ़ी का कोई यदि प्रताड़ित करता है वो सबसे पहले यहाँ पहुँचता है। यहाँ जब पहुँचता है तो उसके ऊपर ये उसके घर पर जा करके उसको उसके बेटा को पुता को पूरा मतलब दबाव दे करके वो समझाते हैं, दबाव देते हैं कि तुम अपने माँ बाप को सेवा करो। यही इनका इसी का परिणाम है आज जिला परिषद अजय बहुमत से जीते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप देख सकते हैं अभी हमारे पास हमारे साथ जो थे जिला परिषद पद पर घनश्याम जी थे और ये जिला परिषद पद पर अपना जीत दावेदारी जो है घोषित इनको कर दिया गया है और जीत प्राप्त कर दिया गया है। मैं इनसे कामना करता हूँ ये अपने जिला परिषद पद पर रहकर अपने क्षेत्र का विकास करें, एक स्वच्छ छवि जो है समाज बनाएँ, इनसे यही मैं कामना करता हूं सर। और इसी के साथ आप लोग बने रहें, मैं साकेत कुमार आपका दोस्त एक बाज़ार समिति में हूं और बकरी प्रखंड के सभी पंचायतों का जो है यहां पे मतगणना किया जा रहा था और हमारे पीछे जो हैं बागवन पंचायत के मुखिया प्रत्याशी जो कि जीत का जो है अपना सर्टिफिकेट लेके बाहर निकल रहे थे, मैं उनसे रूबरू होता हूं और मैं जानने का कोशिश करता हूं वो कितने वोटों से जीते हैं और ये जीत का श्रेय किनको देना चाहते हैं। सबसे पहले तो सर आपको KBTV की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं जीत के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका सर शुभ नाम? सर योगेंद्र राय उर्फ जोगी जी। आप बागवान पंचायत से थे सर जी। आपको सर सबसे पहले ये जीत का जो श्रेय किनको देना चाहते हैं? मैं ये जीत के इस तरह जो है से महिलाओं को देना चाहता हूँ और युवाओं का जी। उसमें जो हर्ष मैंने देखा जी कि महिलाओं और ख़ास करके बेगूसराय ज़िला में बागमन पंचायत जो है
जहां महादलित की संख्या बेगूसराय जिला में प्रथम स्थान है जी जी। और उस महादलितों में जो आज तक सीपीआई अपना गढ़ मानता था जी जी। उस गढ़ को उन्होंने तोड़ा है जी। और ललकारा है कि देखो मैं महिलाएं जो है जो तू हमको बपोटी समझता था सीपीआई का खरीदा हुआ वोट है जी। उसको उन्होंने आज धिकारा है और सीपीआई मुखिया को बुरी तरह हराया है। उनमें विधायक का भी सहयोग था जी जी। वहां से मुखिया नहीं हारा, विधायक भी हारा है। तो सर ये जो जीत के बाद जो है आप अपने पंचायत में जा रहे हैं, तो पहला प्राथमिकता है जो है किस काम को लेकर रहेगा आपका? पहला प्राथमिकता है कि महादलितों को रोजगार दूंगा जी। जितना पलायन कर रहा है उसको रोकूंगा जी जी। ये मनरेगा के तहत या जितना भी है आयुष्मान भारत के योजनाएं हैं, कोई भी योजनाएं उन पर जो है से नहीं चलाया है जिससे महादलितों ने उनको ठुकराया है जी। बहुत बहुत सर शुक्रिया सर। और सर लास्ट क्वेश्चन की आप हमको बता के जाएं कि युवा जो कि आज के डेट में बहुत ही उभर के आ रहे हैं चेहरा, लेकिन आप युवाओं के प्रति क्या सोच रखते हैं? युवाओं के प्रति मेरा पॉजिटिव सोच है जी। उनको खेल की मैदान चाहिए सबसे ज़्यादा, वो उन्होंने खेल की प्राथमिकता दे रहा है जी। मैं खेल के प्रति उनको जो है से जागरूक करूँगा और सरकार का भी ये आदेश है या निर्देश है कि हर प्रत्येक पंचायत में जी जी। खेल का मैदान हो, उसको मैं प्राथमिकता से लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे KBTV चैनल के माध्यम से जुड़े हैं उसके लिए शुक्रिया। आप देख सकते हैं हमारे बीच जो है घाघरा पंचायत के वार्ड नंबर 10 से वार्ड नंबर 14 से जो है वार्ड कमिश्नर के रूप में चुने गए हैं अरुण कुमार महतो, जो कि अब मैं इनसे जानने का कोशिश कर रहा हूं कि आप वार्ड में आए तो वार्ड को लेकर क्या विकास का गंगा बहाएंगे। पहले तो सर आपको ढेर सारी बधाई हो जीत का। आपको भी। और सर आप वार्ड में जीत गए हैं, युवा हैं, और ये सारा श्रेय जो है किनको जाता है? सारा जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको और बुजुर्ग हैं उनको जाता है। और सर आप जो वार्ड में जीते हैं तो वार्ड में आपका क्या रहेगा सबसे पहला प्राथमिकता, और जो है वार्ड को कैसे आप विकास की ओर ले जाइएगा? भ्रष्टाचार खत्म करके विकास की ओर ले जाएंगे जी जी। अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना चाहते हैं जी जी। आगे और कोई प्लान है सर आपका काम करने का तौर तरीका? बहुत संघर्ष किए होंगे आप वार्ड में भी, हर एक पद के लिए जो है संघर्ष करना पड़ता है जीतने के लिए, तो इसमें आपको कितना कठिनाई झेलना पड़ा था? बहुत सारा कठिनाई झेलना पड़ा, उसका तो वर्णन करना मुश्किल है। टोटल कितने प्रत्याशी थे आपके वार्ड में? पाँच थे। और पाँच में आपको कितना टोटल वोट आया था? 180। और सेकेंड पार्टी को? 129। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको जीत का, और मैं कामना करता हूं आपसे कि आप अच्छा काम करें वार्ड के प्रति, ताकि आप आगे समाज में और भी बड़े पद पे आ सकें। और मैं यहां पे एक युवा भी साथी हैं, इनके मित्र हैं, मैं इनसे भी जानना चाहता हूं कि सर आपका क्या कहना है, क्या राय है अरुण जी के प्रति? अरुण जी जो हैं नया युवा के प्रति उभर के आए हैं सामने, नया युवा इनको साथ दिया है इसीलिए आगे बढ़े हैं और इनको आगे बढ़ाते रहना है। क्या लगता है आपको ये काम कर पाएंगे वार्ड के? बिल्कुल बिल्कुल काम कर पाएंगे, सारा युवा का साथ है इनको, सारा युवा बुजुर्ग साथियों सबका साथ है, आगे बहुत काम करेंगे, इनको बहुत ऊपर ले जाना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे वार्ड कमिश्नर अरुण कुमार महतो जी, जो कि जीत का सर्टिफिकेट लिए हुए हैं और इनको अब जो है वार्ड कमिश्नर माना जाएगा, और मैं कामना करता हूँ ये अपने वार्ड के प्रति अच्छा काम करेंगे ताकि वार्ड को एक अच्छा विकास की ओर ले जाएंगे। और इसी के साथ आप लोग बने रहें, मैं साकेत कुमार।